हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। कॉलेज सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कॉलेज सिस्टम में कैसे कैसे मूव्स ब्लैक के लिए बहुत ही बैड मूव होते हैं, ये देखेंगे हम। पहले सबसे पहले मेन स्ट्रक्चर d4 d5, नाइट f3 c5, e3 e6, बिशप d3, nc6, देन कैसल, नाइट f6, b3, बिशप d6, bb2, यहाँ पे कैसल, नाइट bd2, देन b6 और नाइट e5। ये स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग होता है हर एक गेम में। अब यहाँ पे ब्लैक का बेस्ट ऑप्शन है बिशप b7 या फिर क्वीन c7, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पे बिशप टेक्स नाइट किया तो ये बहुत ही बैड मूव होती है, क्योंकि आफ्टर e टेक्स नाइट, नाइट bd7 एंड f4, नाइट fd7 और f4, उसके बाद f6, ब्लैक ट्राई कर रहा है गेम को ओपन करने का, लेकिन f टेक्स, नाइट टेक्स और उसके बाद नाइट f3, नाइट b4, नाइट e5, देन नाइट टेक्स बिशप, पॉन टेक्स और नाइट d7 सबसे बैड मूव होती है। उसके बाद क्वीन g4 आने के बाद सब कंट्रोल व्हाइट के हाथ में होता है। तो आप ऐसे खेल सकते हो। फिर से देख लेते हैं d4 d5, और यहाँ पे कंप्लीटली कैसल nbd2, नाइट e5, बिशप टेक्स e5 इज नॉट गुड। और भी देखते हैं वेरिएशन, यहाँ पे किंग साइड अगर व्हाइट ब्लैक अटैक कर रहा है व्हाइट के किंग साइड पॉन के ऊपर, तब क्या करना है आपको, ये खास दिखाऊंगा मैं आपको। अब दूसरी तरह कैसे खेल सकते हैं आप लोग, d4 नाइट f3 c5, c5 के बाद e3 कंपलसरी मूव है, क्योंकि d4 पॉन सेंटर पे होना जरूरी है। e6 देन बिशप d3, नाइट c6 कैसल, यहाँ पे मूव ऑर्डर चेंज करके d4 nf3 देन c5, तब भी e3 करना है आपको, e6 बिशप d3 nc6 कैसल, नाइट f6 b3 bd6 बिशप b2 कैसल a3, a3 जरूरी है नाइट b4 आने से रोकने के लिए, nbd2 देन बिशप b7 क्वीन e2, कभी कभी ये मूव भी काफी सक्सेसफुल है, नाइट e5 क्वीन e7 और यहाँ पे f4, रुक e8, रुक f3 करके आप रुक h3 का प्लानिंग कर सकते हो। अगर क्वीन f8 जाता है तो रुक h3 देन g6 देन g4, और ये व्हाइट के लिए काफी अटैकिंग पोजीशन है। और भी बहुत सारी पोजीशन दिखा दोस्तों, कभी कभी आपका नाइट e5 सेटल नहीं होता है, आप लोग कुछ मूव मिस कर जाते हो, तो नाइट e5 नहीं आता है, तब आपको क्या करना है, इसके बारे में खास ध्यान से ये लाइन देख लीजिए। कॉलेज सिस्टम में बहुत ही बढ़िया बढ़िया अलग अलग टेक्निक है, सभी टेक्निक आपको आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं d4 d5, नाइट f3 e6 e3, बिशप d3 c5, देन b3, नाइट c6 कैसल। हमने जल्दी से अगर कैसल कर लिया है तो हमारा जो प्लान है वो सक्सेस नहीं जाता है, बिशप b2 और नाइट e5 देन कैसल, ये प्लानिंग होना चाहिए। कभी कभी गलती से हमने कैसल कर दिया तो भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कोले में। जैसे कैसल कर दिया, क्वीन c7 बिशप b2 देन bd6, अब आपका प्लान फेल हो गया नाइट e5 लाने का, क्योंकि बिशप नाइट और क्वीन तीनों तीन पीस वो e5 स्क्वायर पे कंट्रोल कर रहे हैं। डोंट वरी, यहाँ पे नाइट bd2 सिंपल डेवलपमेंट, ब्लैक कैसल करेगा, उसके बाद पॉन टेक्स पॉन, ये आपका b2 f6 जो डायगोनल है उसे ओपन करना है आफ्टर बिशप टेक्स c5, यहाँ पे c4 आपको देखो, खास ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि बिशप से नाइट को एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बिशप नाइट के बदले दे देते हैं सिर्फ कैसलिंग ब्रेक करने के लिए, लेकिन उससे क्या होगा कि ब्लैक का किंग h8 आने के बाद रुक g8 और आपके ऊपर काउंटर अटैक आ सकता है, इसीलिए ये गलती कभी नहीं कीजिए। c4 के बाद क्वीन e7, क्योंकि सी फाइल खुल रही है और ब्लैक चाहता है कि क्वीन e7 या बिशप a3 से बिशप से एक्सचेंज करने का प्लानिंग हो सकता है, यहाँ पे a3 जरूर कर लीजिए, आपका बिशप एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। rd8 b4
और उसके बाद क्वीन सी टू। अब आपका आइडिया क्या है, यहाँ पे प्लानिंग है ई फोर का, एच सिक्स जरूरी है वरना नाइट जी फाइव और पॉन एच सेवन के ऊपर थ्रेट आती है। तो एच सिक्स यहाँ पे रूक एफ डी वन बिशप डी सेवन देन ई फोर। अब ये ई फोर बहुत ही स्ट्रांग मूव है, हर बार जरूरी नहीं कि ई फोर नहीं करना चाहिए, कॉलेज सिस्टम में बहुत सारे ऐसे वेरिएशन है जहाँ पे ई फोर काफ़ी जबरदस्त मूव होता है। यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, अगर सी पॉन को मारा तो नाइट टेक्स देन बिशप पे अटैक बिशप सी सेवन, उसके बाद क्वीन ई टू देन बिशप ई एट और उसके बाद ई फाइव। अब ये पोजिशन काफ़ी स्ट्रांग है वाइट के लिए, तो ऐसे भी आप गेम चेंज करके खेल सकते हैं। दोस्तों हाउ टू प्ले अगेंस्ट द स्टोन वॉल, इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था। आज मैं आपको कॉलेज सिस्टम जब आपको बता ही रहा हूँ तो फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, क्योंकि डी फोर अगेंस्ट द स्टोन वॉल बहुत सारे लोग प्ले खेल रहे हैं, तो उसका एकदम इजी और सिंपल सॉल्यूशन है। बहुत ही अटैकिंग लाइन है वाइट से और मैं बहुत सारे गेम्स जीत चुका हूँ द स्टोन वॉल के सामने इसी पोजिशन से, और मोस्टली विन रेटियो 100% रहता है वाइट से। डी फोर ई सिक्स देन एन एफ थ्री एफ फाइव और यहाँ पे एस थ्री जी फोर अटैक, मैंने आपको पहले बताया था एस थ्री नाइट एफ सिक्स और जी फोर, यहाँ पे एक पॉन सेक्रीफाइस करना है, एफ टेक्स देन पॉन टेक्स और नाइट टेक्स उसके बाद क्वीन डी थ्री, और ये पोजिशन में डायरेक्ट थ्रेट है रूक टेक्स एच सेवन की। तो इसे बचाने के लिए अगर नाइट एफ सिक्स करता है ब्लैक तो बिशप जी फाइव पिनिंग करो। D5 बहुत ही रॉन्ग मूव है, यहाँ पे नाइट E5 आने के बाद मोस्टली वाइट तुरंत ही जीत जाता है। आफ्टर नाइट C6 देन क्लियर रुक टेक्स H7, आफ्टर रुक टेक्स देन क्वीन चेक और क्वीन F7 चेक, और कुछ मूव्स में फोर्स चेकमेट आती है। तो नाइट E5 को स्टॉप करना जरूरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे D6 जरूरी है, D6 के बाद भी रुक एच सेवन देन क्वीन G6 चेक क्वीन D7 बिशप F6 क्वीन F6 और क्वीन टेक्स रुक, और ये पोजीशन वाइट के लिए बहुत ही अटैकिंग है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरत पड़ने पर नाइट C3 करके लॉन्ग कैसल करके आप बहुत ही सेफ साइड खेलोगे और अटैक के साथ में खेलोगे, बहुत मजा आएगा डर स्टोन वॉल के सामने। इस मूव को आप ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत सारे मैंने तो गेम जीती है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जबरदस्त अटैक है, इसका कोई सॉल्यूशन ब्लैक के पास नहीं मिल रहा है। इसकी प्रॉपर लाइन में बताऊंगा आपको, D4 E6 उसके बाद अगर ब्लैक पॉन एक्सेप्ट नहीं करता है तब क्या करना है, जैसे कि H3 G4, यहाँ पे समझ लो कि ब्लैक ने पॉन टेक्स पॉन नहीं किया और D5 किया, तो यहाँ पे G5 मत करना दोस्तों, खास ध्यान रखो। कई लोगों को लगता है कि मैं पॉन से नाइट पे अटैक करूंगा लेकिन उसके बाद ब्लैक की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पे आपको पॉन टेक्स पॉन करके G5 ओपन करनी है आपकी और रुक G1 तुरंत सेट कर देना है, पूरी G5 आपके कंट्रोल में है। तो ब्लैक शॉर्ट कैसल का प्लान नहीं कर सकता इसमें। C6 के बाद यहाँ पे बिशप F4 पहले आप डार्क स्क्वायर जो डायगोनल है ये कंट्रोल कर लीजिए। क्वीन B6 अगर करता है, जैसे बिशप आप आउट करते हो तो QB6 नेचुरल मूव है, क्वीन टेक्स B2 की थ्रेट है, यहाँ पे क्वीन C1 से सपोर्ट करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। बिशप E6 के बाद E3 देन नाइट A6 और नाइट BD2 के आफ्टर लॉन्ग कैसल, अगर ब्लैक लॉन्ग कैसल करता है तो तुरंत C4 करके आप अटैक में आ सकते हो, जबरदस्त अटैक में, और ये गेम कंप्लीटली ब्लैक की फेवर में रहेगी दोस्तों। तो स्टोन वॉल डच के बारे में भी बहुत जबरदस्त मैंने आइडियाज आपको दिए हैं, दोनों जो कॉलेज सिस्टम की मेन लाइन है उसमें भी आप फोकस कीजिए और स्टोन वॉल डच खेलने का ट्राई कीजिए। डच के अगेंस्ट कैसे खेला जाता है, इस लाइन से आप 100% आई थिंक 100% गेम जीतते ही रहोगे, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। जल्द ही नए वेरिएशन और नई ओपनिंग के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।